जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ ना 11मा आचार्य महाश्रमण जी भगवान महावीर यूनिवर्सिटी ना कैंपस में निर्मित संयम विहार में तेमने 140 जेटला शिष्य साथे चतुर्मास करी रह्या छे। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ ना 11मा आचार्य महाश्रमण जी भगवान महावीर यूनिवर्सिटी ना कैंपस में निर्मित संयम विहार में तेमने 140 जेटला शिष्य साथे चतुर्मास करी रह्या। संयम विहार में लगभग 85,000 स्क्वेर फीट नो विशाल प्रवचन पंडाल बनावामां आव्यो। 20,000 थी पण वधु श्रद्धाळुओ एक साथे बेसी धर्मलाभ लई शके छे। संपूर्ण भारत अने देश विदेश थी आवनारा भक्तो माटे 800 जेटली कुटीनु निर्माण संपूर्ण कायदाकीय नियमोनु पालन करी करवामां आव्यु। स्वच्छतानु विशेष ध्यान राखवामां आवे छे। विशाळ भोजन शाळा कॉन्फरन्स हॉल व्यवस्था समिति कार्यालय शॉपिंग सेंटर अने विविध कार्यालय बनाववामां आव्या छे। 3D 5D अने बीजी AI नो उपयोग करी अद्यतन महाश्रवण दर्शन किड्स झोन ज्ञानकुंज अने बीजी प्रदर्शनीओ द्वारा धर्मसंघ अने बीजी आध्यात्मिक जानकारी आपवामां आवी। आचार्य महाश्रवणजी समाजमां नैतिकता सद्भावना अने नशा मुक्तिनो अभियान चलावी रह्या छे। आ मिशन साथे तेओ लगभग 58,000 किमी पदयात्रा करी चुक्या। संपूर्ण भारतनी साथे नेपाळ अने भूटान पण सामेल छे। संपूर्ण आयोजनमां हजारो कार्यकर्ताओनी साथे आचार्य महाश्रमण प्रवास समितिना अध्यक्ष अने संजय सुराणा महामंत्री नानालाल राठौरनुं मार्गदर्शन छे। मैं मुनि अनुशासन कुमार आचार्य महाश्रमण जी का शिष्य और अभी यहाँ पे वर्तमान में तेरापंथ जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ की 11वीं अनुशासिता आचार्य महाश्रमण जी का सूरत शहर में चातुर्मास हो रहा है। और आचार्य अपने 3 उद्देश्यों के साथ यहाँ पधारे हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। सद्भावना यानी हर जाति वर्ग संप्रदाय में आपस में वैमनस्य ना फैले, सद्भाव रहे, प्रेम भाव रहे। दूसरा नैतिकता की कोई भी किसी वर्ग जाति व्यवसाय में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी रखे। और तीसरा जो गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य है वह है नशा मुक्ति, कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है और शराब के द्वारा भी लोग जितने भ्रमित हो रहे हैं, तो आचार्य की ये प्रेरणा रहती है कि व्यक्ति नशे की जैसी बुराई से दूर रहे और उसके सेवन से बचे। और आचार्य यहाँ पे पधारे हैं लगभग 21 वर्षों बाद, यहाँ पे चतुर्मास हो रहा है। और आचार्य अपने अहिंसा यात्रा द्वारा अब तक नेपाल भूटान सहित भारत के 23 राज्यों में पधार चुके हैं और लगभग 56,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए यहाँ सूरत शहर में पधारे हैं। आचार्य का यहाँ पे लगभग नवंबर माह तक प्रवास रहेगा। उसके बाद आचार्य सौराष्ट्र आदि गुजरात के अन्य प्रदेशों का स्पर्श करते हुए अहमदाबाद पधारेंगे, जहाँ पर अगला चतुर्मास होगा। और आचार्य के साथ में अभी वर्तमान में 150 से अधिक साधु साध्वियां हैं जो जनता के मध्य में आचार्य के संदेशों को और जो जिस प्रकार से समाज का उत्थान हो सके इस प्रकार के संदेशों को फैला रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। कितने लोग जुड़ेंगे? आचार्य के अनुयायियों की संख्या तो ऐसे लाखों में है, पर आचार्य भले ही जैन संप्रदाय के एक आचार्य है, परंतु आचार्य की जो संदेश है, प्रेरणा है, वह किसी संप्रदाय से बंधी हुई नहीं है, वह संप्रदायातीत है। तो आचार्य की इस मुहिम में जहाँ जाते हैं वहां पे लोग जुड़ते जाते हैं। और आचार्य का भी यह उद्देश्य रहता है कि जो अपनी पदयात्रा करते हैं तो छोटे से गांव में भी अगर जाना होता है तो वहां के गांव की जनता को भी अपने इस उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं। और जहां भी जाते हैं आचार्य का यही मोटो है या यही लक्ष्य है कि किस प्रकार से जन जीवन का उत्थान हो सके और व्यक्ति व्यक्ति में बदलाव आ सके और जीवन वह अपना सुधार सके। जी, आपका नाम आपका संजय बाबूलाल सुराना, अध्यक्ष महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति सूरत 2024। किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है आपने? हमारे गुरुओं का चातुर्मास जो है वो हमें बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, तभी हमें प्राप्त होता है। सन 2003 में यहाँ पर हमें गुरुदेव का महाप्रज्ञ जी का चातुर्मास मिला था और उसके बाद हम निरंतर प्रयास कर रहे थे पिछले 10-11 सालों से कि हमें गुरुदेव का चातुर्मास मिले। 5 सितंबर 2022 को वो शुभ दिन था जिस दिन गुरुदेव ने सूरत चातुर्मास हमें बख्शाया। सूरत चातुर्मास के बाद से ही हमारी पूरी तैयारियाँ चालू हो गई थी कि हमें चातुर्मास कहाँ करना है। शहर के मध्य में हो तो हमारे को बहुत अनुकूल रहेगा, आने जाने वालों को आराम रहेगा, लेकिन शहर के बीच में इतनी बड़ी जगह मिलना ये भी असंभव बात थी। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से शहर के बीच VIP 2 पर जो हमें 2 लाख गज जो जगह मिली वो हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी जमीन के एक साल के लिए जो उन्होंने जमीन को हमें दिया है उनके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ।
कि एक साल तक उन्होंने हमें जमीन दी तो हम ये चातुर्मास यहाँ पर कर चुके हैं। और इस चातुर्मास में हमें देखना था कि रोज हजारों लोग यहाँ पर आएंगे, उनका प्रवास किस तरह से अच्छा हो, गुरुदेव और इतने साधु संत रहेंगे, उनका प्रवास किस तरह से अच्छी तरह से हो, तो हम लोगों ने वहीं से प्लानिंग चालू कर दी थी। और इतनी बरसात की सीजन रहती है तो एक चैलेंजिंग रहता है कि बरसात में आने वाले यात्रियों को भी तकलीफ नहीं हो, इसलिए हमने नीचे से पूरे की रेन वाटर लाइन, गटर लाइन, सभी सुविधाएं, इलेक्ट्रिक की सुविधाएं, बाकी जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते थे हमने कोशिश की। और ये आप जो परिसर देख रहे हैं संयम विहार, ये सारे हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठ मेहनत का ही नतीजा है। ये संयम विहार इस तरह से एक हंसता हुआ विहार बन गया है। गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर 2.25 महीने हो गए हैं, किसी भी एक भी तरह की हमें दिक्कत नहीं हुई है, किसी भी एक तरह की दुर्घटना नहीं हुई है। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। अभी 3932 चातुर्मास जैन साधु संतों के पूरे देश भर में चल रहे हैं, उसमें हमारा सौभाग्य है कि ये चातुर्मास को सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास घोषित किया गया है। ये सब मेरे साथियों की, मेरी पूरी टीम की मेहनत का ही नतीजा है कि इतने लोगों के आने के बाद इतनी स्वच्छता, एक एक हमारी कुछ भी देखे, एक टॉयलेट, सार्वजनिक टॉयलेट में भी अगर जाएं तो हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी जागरूकता है, कहीं पर एक कचरे का नहीं दिखेगा, कहीं पर गुटखा का या कुछ भी पान मावा का थुका हुआ नहीं दिखेगा, इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसके बाद भी कहीं पर थुका हुआ नहीं दिखे, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सब गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि यहाँ पर नित नए कार्यक्रम हो रहे हैं और हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से हर कार्यक्रम में सफलता मिल रही है। यहाँ पर जब तब इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, हमें ऐसी आशा है। लगभग 2500 से ज़्यादा अठाई और कितने कितने यहाँ पर मास क्रमण हो चुके हैं, अभी तक भी हम नहीं गिन चुके हैं। हम जब 4 महीने होंगे तभी उसका ठीक से अवलोकन करेंगे, अभी तो सारा नोटिंग हो रहा है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से इसी तरह 4 महीने तक जब तक होते रहेंगे, 2.25 महीना बीत गए हैं और 2.25 महीना भी इसी तरह गुरुदेव के आशीर्वाद से बीत जाएंगे। इसी के साथ मेरी आशा है कि हमारा चातुर्मास सर्वश्रेष्ठ चातुर्मासों में एक रहे। ओम अरम। आप कोई नहीं बोल देते मेरे को बहुत धोखा दिया समाज वाले। 2003 के बाद अब इन लोगों को बचा के 21 वर्ष बाद जो सूरत में तेरा पंथ के आचार्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास हो रहा है, उसमें जैसे ही गुरुदेव ने चातुर्मास करवाया था उसके बाद हमारी सब तैयारियाँ शुरू हो गई। हमने एक एक बारीक बारीक चीज़ बहुत सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित की है, हर चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि हमारे बाहर से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ पर गुरु दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। हमारा प्रेक्षा फाउंडेशन जो शिविर लगता है उसमें 40 देशों के लोग यहाँ आते हैं। हमारा जो भी NRI सर्मिट हुआ उसमें करीब 20 देशों के लोग यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित रहे, ऐसे पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो उनके बारीकों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 750 कुटीर बनाए। आजू बाजू में हमारे जो जितनी भी होटलें थी 2000 रूमों का हमने टाइप किया हुआ है और काफ़ी बड़े बड़े संघ आ रहे हैं, बेंगलोर से, दिल्ली से 1700 आदमियों का संघ, कहीं से 800, कहीं से 900, कहीं से 1000, ऐसे पूरे भारत से संघ आ रहे हैं। उन सब की व्यवस्थाओं को हमने ध्यान में रखे आगंतुक यात्रियों के लिए खाने के लिए बहुत ही बड़ी अर्पण हजार स्क्वायर फीट की मधुरम भोजनशाला की व्यवस्था की है और किचन उसका 25,000 स्क्वायर फीट में बनाए हुआ है ताकि उसको हम सात्विक भोजन प्रदान कर सकें। ऐसे ही हमारे गुरुदेव विराजने के लिए और ब्रह्मका से विराजने के लिए 2 बिल्डिंग हैं, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, किड्स जोन है, जो बच्चे आते हैं तो लोग बाग आसानी से प्रवचन सुन सके इसलिए किड्स जोन की व्यवस्था भी की है, बड़ी बड़ी मीटिंगें और जो आयोजन हो सके इसके लिए कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की है। उसी के बगल में हमने एक ध्यान कुंज की व्यवस्था की है जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी से हर चीज़ द्वार बताए गए हैं, इसमें मनुष्य द्वार और कैसे कैसे गति बताते हैं कि मनुष्य द्वार तक गति कैसे होती है, वो सब उसमें हमने बड़ी ही बारीकी से उसमें जानकारी दी है। इसी तरह से हमारे एक महाश्रमण कीर्ति गाथा का हमने आयोजन किया है जिसमें अभी तक आचार्य महाश्रमण जी की यात्रा जो हुई है
55,000 किलोमीटर आचार्य महाश्रमण जी पैदल चल चल कर गाँव गाँव में तो लोग को व्यसन मुक्ति और काफ़ी संदेश प्रदान करते हैं। व्यक्ति कैसे व्यक्ति बने, समाज में एक व्यक्ति कैसे सुधरे, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधर जाएगा, ये हमारे गुरुदेव का मिशन है। इसी प्रकार हमने आवासीय यात्रियों के लिए आवास कार्यालय बनाया, जहाँ कहीं से भी पहले आदमी आवास में पहुँचे तो उसको रहने के लिए वहाँ से बुकिंग सब मिल सके। उसी के पीछे एक हमारे प्रवास व्यवस्था समिति का ऑफिस बनाया गया है, जहाँ हमारे अध्यक्ष मंत्री व कार्यालय बनाए हैं, किसी की भी कोई कंप्लेन हो तो हम वहाँ नोट करते हैं और उसका हाथों हाथ हम निवारण करते हैं। उसके बाद में हमने एक आरोप प्लांट का पूरी आयोजन यहाँ किया है, उससे पूरा आरोप प्लांट में हर एक पानी की सप्लाई यहाँ से हमारे होती है, हर एक कुटीर में और हर एक कोटरी में जो टेम्परेरी बनाई हुई है, पर आप अंदर जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टेम्परेरी में इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। ये हमारे अध्यक्ष महोदय की सूझबूझ है, हमारे अध्यक्ष महोदय भी एक बिल्डर हैं सूरत के जाने माने, उनकी सोच और उनका जो वर्क करने का तरीका है वो भी हमारे लिए बहुत काम आया। और गुरुदेव की पुण्य ही ऐसी है कि सूरत सिटी में इतनी बड़ी जगह मिलना, ये हमारे लिए सबसे एकदम विशिष्ट बात है, ताकि हम इस चातुर्मास को जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया 400 चातुर्मास में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है, उसमें हर एक कार्यकर्ता का गुरु जी की पुण्याई और पूरी टीम का होमवर्क है, टूरिंग टीम का काम वर्क है, ताकि ही ये काम हो सकता है। इसी प्रकार हमने पूरा ये आयोजन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज, सूरत। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।